देर से कितनी दूर खड़ी। एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद आज भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनकी फिल्में आज भी उनकी यादों को ताजा कर जाती हैं। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में पंजाब में हुआ था, लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। देवानंद ने अपने करियर की शुरुआत साल 1946 से की थी। उनकी पहली फिल्म का नाम हम एक है था। उन्होंने बाद में एक से बढ़कर एक 116 फिल्मों में काम किया। लड़कियां देवानंद साहब की इतनी दीवानी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी। फिल्मों के साथ साथ देवानंद से जुड़े किस्से भी बेहद मशहूर हुए। साल 2011 में दिल का दौरा पड़ने से लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज हम आपको देव साहब के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही इनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, देव साहब के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन देव साहब के बेटे सुनील आनंद ने अपने करियर में बहुत सी हिट फिल्में दी। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनकी लड़कियां दीवानी रहती थी। जब वो सड़क पर चलते थे तो लड़कियां सड़क से कूद जाया करती थी। सुनील आनंद ने साल 1984 में फिल्म आनंद और आनंद से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस मूवी में उनके साथ उनके पिता देवानंद भी लीड रोल में थे। देवानंद ने फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। फिल्म फ्लॉप हुई। फिर उसके बाद सुनील को समीर मलखान खान की फिल्म कार थीव में देखा गया, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। देवानंद के बेटे की फिल्म लगातार फ्लॉप हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार और रिस्क लेते हुए अपने बड़े भाई विजय आनंद के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई, जिसका नाम था मैं तेरे लिए। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, सुनील आनंद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के गाने को दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन फिल्म कुछ अच्छा कमाल नहीं कर सकी और ये तीसरी फिल्म भी उनकी फ्लॉप हुई। फिर 2001 में मास्टर फिल्म रिलीज हुई, ये फिल्म भी फ्लॉप रही। अब सुनील लाइमलाइट से दूर है, उनका पूरा लुक बदल गया है, वो एकदम अलग दिखते हैं। पर अगर बात की जाए देव साहब के पोते ऋषि आनंद के बारे में, तो ऋषि आनंद लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहते हैं, लेकिन हाल ही में उनके पिता सुनील आनंद ने उन्हें इंडस्ट्री में हाथ आजमाने का मौका दिया और वो जल्द ही गोविंदा की फिल्म साजन चले ससुराल के रिमिक्स में नजर आ सकते हैं और इसी फिल्म से वो हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले हैं। हालांकि जितनी पॉपुलैरिटी देव साहब को मिली, इतनी पॉपुलैरिटी तो सुनील आनंद को भी नहीं मिली। अब देखना ये होगा कि ऋषि आनंद को उनके दादा जैसी सफलता मिल पाती है या नहीं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर उनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।